तुम्हारी धोती कहाँ है? पाई पाई जोड़ के यहीं पे तो सुखाने के लिए रखी थी। मैंने तो धोती को इसी पत्थर से दबाकर सुखाने के लिए रखा था, लगता है हवा में उड़ गई होगी। विजयनगर के मुरली, सुरेश और प्रकाश, जो कि बड़ी से बड़ी गुत्थी को साथ मिलकर यूं सुलझा लेते थे। कुछ भी, हवा में उड़ गई होती तो ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा नीचे गिर गया होता। हवा में धोती उड़ी ऐसे और पत्थर गिरा ऐसे, अब समझे? इसका मतलब है कि जरूर किसी ने जानबूझकर धोती गायब की है। अरे धोती है कोई खजाना थोड़ी कि कोई भी उठा कर ले जाएगा। क्या कुछ भी बोल रहे हो हैं? केशव भाई, ये धोती लेकर कोई भाग रहा था, भागते भागते इसी धोती में फंसा और गिर गया। ये तो मेरी धोती है। अरे इससे ये साबित नहीं होता कि तुम लोग बहुत समझदार हो। यहाँ तो हमारी कोई कदर ही नहीं करता। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसी गुत्थी सुल जाएंगे कि सभी हमारा लोहा मानेंगे। ये कैसा निशान है? सुनो, तुम लोगों ने इधर से किसी को जाते हुए देखा है क्या? अभी बताता हूँ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? मेरा समय नष्ट करने की सजा जानते भी हो? सेनापति जी, कुछ पता चला? हाँ, इन निशानों को देखकर तो लगता है कि अभी अभी यहाँ से एक बड़ा सा ऊंट निकला है, जिसकी केवल एक आंख थी। उस ऊंट के ऊपर एक बच्चा और एक औरत बैठी थी। सेनापति जी, इन्हें कैसे पता कि एक औरत और बच्चा ऊंट के साथ गए हैं? कहीं इन्हीं लोगों के साथियों ने मेरे बीवी बच्चों का अपहरण तो नहीं कर लिया? मुरली, सुरेश और प्रकाश को सेनापति विजय सेतु चोरों का मित्र समझकर बंदी बना लेते हैं और ले जाकर महाराज विद्याधर के सामने पेश कर देते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने इनकी बीवी और बच्चे को देखा तक नहीं? नहीं महाराज, सेनापति जी को जो भी बताया वो हवा की खुशबू से, धरती के कंपन से और पार की नजर से देखकर बताया। अच्छा, तो तुम इतने चतुर और चालाक हो? जी, हम तो बस कोशिश करते रहते हैं महाराज। महाराज महाराज, ये तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना आप सबके सामने इन तीनों की एक परीक्षा हो जाए? अवश्य, अनुमति है। धन्यवाद महाराज। तो हमारे सैनिक तुम्हारे सामने एक बड़ी सी बंद पेटी लेकर आएंगे। बिना उस पेटी को खोले तुम तीनों को ये बताना होगा कि उस पेटी के अंदर क्या रखा है। कोई ऐसे कैसे बता सकता है? लगता है ये अपनी बातों में खुद ही फंसेंगे। खामोश, कहो, मंजूर है? मंजूर है। दक्षिण द्वार पर जो सिपाही खड़े हैं उनको बोलो कि वो तुरंत बक्सा लेकर यहाँ आए। तो बताओ कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई गोल वस्तु है, और वो गोल वस्तु अनार है। अनार? ये क्या बोल रहे हैं?
महाराज, पेट के अंदर अनारी है और वो भी कच्चा। महाराज महाराज, ये कैसे संभव है? क्या बात है सरंगा, क्या इस पेटी के अंदर सच में कच्चे अनार हैं? जी महाराज। मैं नहीं मानता, इस पेटी को तुरंत खोला जाए। असंभव, ये तुम लोगों ने कैसे किया? महाराज, जब सैनिक पेटी को ला रहे थे तो इसके अंदर से हमें किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई, जिससे हमें ये पता चला कि इसके अंदर रखी चीज गोल है। और वो गोल चीज अनार है, वो यूं पता चला कि शरद के रखने के बाद मंत्री जी ने दक्षिण द्वार पर बक्सा लेकर खड़े अपने सैनिकों को अंदर बुलाया, और उसी दक्षिण द्वार के बाहर आपके अनार के बागान है। और सैनिकों के जूतों में मिट्टी और अनार के पत्ते लगे देखे, जिससे हम समझ गए कि इसके अंदर रखी गोल चीज अनार है। अच्छा चलो ये बात मान भी लो, मगर अनार कच्चे हैं, इसका पता कैसे चला? कहीं तुम्हारा कोई भूत अंदर जाकर चक्कर या सूंघकर तो नहीं देखा? बताओ बताओ, फंस गए ना? मंत्री जी, ऐसे सवाल का उम्मीद आपसे नहीं था, क्योंकि हर एक फल के पकने का एक सही समय होता है, और सबको पता है कि इस मौसम में अनार नहीं पकते। अब अनार पकेंगे नहीं तो वो कच्चे ही तो होंगे महाराज। वाह, अविश्वसनीय। तुम तीनों की सूझबूझ ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। क्षमा महाराज, मगर इससे ये साबित नहीं होता कि ये चोर नहीं है, क्योंकि बिना देखे इन्हें पता कैसे चला कि इनकी बीवी और बच्चे इसी रास्ते से गए हैं, और वो भी ऊंट पर बैठकर। महाराज, वहाँ की मिट्टी पर ऊंट के पैरों के निशान देखकर कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि वो ऊंट के पैरों के निशान है। और वो ऊंट एक आंख से अंधा है। ये क्या तुम्हें उन ऊंटों ने आकर बताया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस रास्ते पर ऊंट ने केवल एक ही तरफ की घास चरी थी, जबकि दूसरी तरफ ज्यादा हरी भरी घास थी। अब आप पूछेंगे कि औरत और बच्चे उसी ऊंट पर गए हैं, ये कैसे पता चला? वो हुआ यूं कि औरत और उसके बच्चे के पैरों के निशान कुछ देर तक ऊंट के पैरों के निशान के साथ थे, परंतु ऊंट के बैठने के निशान के बाद वो बच्चों के निशान गायब हो गए थे। इससे समझ आता है कि वो ऊंट पर बैठकर गए होंगे। इनका कहना सही है महाराज, इनकी पत्नी और बच्चा दोनों ऊंट की सवारी करते हुए सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। क्या? मुझे आज्ञा दे महाराज। मुझे माफ कर देना, मैंने आप पर गलत आरोप लगाए, अब मैं चलता हूँ। शाबाश, तुम तीनों तो कमाल के हो, और कमाल के लोगों का स्थान तो हमारे हृदय में हमेशा रहेगा, क्यों मंत्री जी? जी महाराज। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.